राम राम किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी पायनियर कंपनी का जो सरसों हुए बाजरे का बीज आता है उसको आप किस प्रकार लगाएं, कौन से तरीके से लगाएं और किस प्रकार आप अपनी जो ज़मीन को बंजर होने से बचाएं और किस प्रकार आप अपना उत्पादन बढ़ाएं। यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जो पायनियर कंपनी के एक्सपर्ट हैं, एडवाइज़र हैं, वह हमको जानकारी दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं संपूर्ण जानकारी। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी अवश्य करें। पायनियर के अलावा सरसों बाजरा नहीं लगाता, दूर तरफ लगती है मेरे माँ को, कपास की खेती नहीं होती, बाजरा लगाते हैं, बाजरे में हम सरसों लगाते हैं। सरसों के लिए कोई किसी प्रकार का खेत खाली नहीं रखते, पूरी जमीन में सब बाजरा डालते हैं, बाजरे के बाद सरसों डालते हैं। तो मुझे लगा 9 साल में मुझे कहीं जाके इतना बेहतर पैदावार मिल रही है, तो बड़े बूढ़े की कहावत थी कि जमीन का पैसा जमीन में चला जाता है, खर्चे बहुत ज्यादा थे। लेकिन पायनियर का जब से मैंने बीज यूज किया है, मुझे लग रहा है कि मेरे घर में कहीं से पैसा थोड़ा बहुत मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि आज हो सकता है बाजार भाव बढ़िया मिल रहा हो पैदावार का, हो सकता है आपके जमाने में कम रेट हो। तो देखिए, यहाँ सिर्फ हमारी 2 शर्तें होंगी, हम आपको 2 साल यहाँ पे हम काम करेंगे, 2 साल के अंदर हमारे हर किसान की पैदावार सरसों में बाजरे में 2 क्विंटल प्रति बीघा हम बढ़ा के जाएंगे। आप बीज लगाओ नहीं लगाओ, लेकिन हमारा काम है आपकी पैदावार बढ़ाना। देखिए, जब आप पायनियर का बीज बगैर कहे लगा सकते हो, अगर मैं आपकी 2 क्विंटल और पैदावार बढ़ाऊंगा तो हो सकता है यहाँ आपकी पैदावार मेरा बीज ज्यादा बिकने वाला हो। किसान को क्या चाहिए? पैसा। पैसे के लिए तो खेती कर रहे हो आप। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं बाजरे का। अब की बार जो आप बाजरा लगाओगे वो बाजरा इतना बेहतरीन क्वालिटी का होगा, उसमें कोई खरपतवार नहीं होगी। तो ऐसा कोई कागजी बाजरा चाहिए आपको जिसमें कोई खरपतवार नहीं हुए? ऐसा बाजरा किन किन को चाहिए? नहीं, हाथ खड़ा करके बताइए एक बार। देखिए, अगर बाजरे में खरपतवार नहीं उठती है तो इससे आप लोगों को क्या फायदा होगा? सीधी सीधी आपकी पैदावार 1 क्विंटल बढ़ेगी, आपका पैसा बचेगा। क्योंकि जैसे आपने मान चलो किसी अपने रामजीलाल जी किसान है, अगर इन्हें 10 बीघा बाजरा बोया और 10 बीघे बाजरे में अगर खरपतवार ज्यादा निकले आई तो ये 5 बीघे बाजरे की जुताई कर देंगे। भाई नरेगा नाई गुड़ाई नहीं होगी तो समझेंगे सरसों के लिए खेत तैयार कर दे। और 5 बीघे खेत जो होगा उसकी निराई गुड़ाई में इनका मजदूर का पैसा लगेगा, दवा का पैसा लगेगा। तो देखिए किसान बंधु, अब की बार सबसे मुद्दे की बात सुन लेना। अब की बार जब आप बाजरा लगाओ, सबसे पहले आप लोगों को कौन सी कंपनी का लगाना, ये नहीं कह रहा पायनियर का ही लगाओ, कौन सी कंपनी का जब बाजरा लगाओ आपको एक दवा का प्रयोग करना है। अभी जैसे मान के चलो पिछली बार जब आपने बाजरा बोया होगा, उस बाजरे की खरपतवार को मिटाने के लिए आपने एक दवा का प्रयोग किया होगा, कौन सी दवा डालती है वो? 25 दिन बाद डाली होगी ना बाजरे में दवा खरपतवार के लिए, कौन सी दवा का स्प्रे किया था आप लोगों ने? चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको नाम याद नहीं, मैं बता देता हूँ। अभी आप क्या एट्राजिन दवा का प्रयोग कर रहे हो, एट्राजिन देते हो, वो कब देते हो? 20 से 25 दिन बाद। अरे 20 से 25 दिन बाद दे रहे हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? 20-25 दिन तक अगर आपके खेत में खरपतवार रहेगी बाजरे के साथ साथ, तो आधे से ज्यादा भोजन तो 20-25 दिन में खरपतवार खा जाएगी नहीं खा जाएगी, तो उस बाजरे के लिए क्या बचेगा? फिर बाजरा आपका धीरे धीरे ग्रो करेगा। अगर आपके खेत में खरपतवार ज्यादा है, उसमें भोजन कम है, तो बाजरा धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो अब की बार हम आपके लिए एक ऐसी तकनीक दे रहे हैं जो बाजरे में खरपतवार नहीं होगी, उसके लिए क्या करना है, जो एट्राजिन आप बाजरे में बाद में दे रहे हो, उसी एट्राजिन का प्रयोग आप बाजरा बोने के बाद 36 घंटे के भीतर भीतर करना है। समझ लो मेरी बात को, जो एट्राजिन आप 20-25 दिन बाद दे रहे हो, उसी एट्राजिन को बाजरे के साथ खरीदो। बाजरे खरीदने के साथ अगर बाजरा आपने आज बो दिया, उसके 2 घंटे बाद उस पर स्प्रे कर दो आप खेत पे, बगैर बाजरा हुए। अगर किसी किसान बंधु ने 36 घंटे के बाद बाजरे खेत पे स्प्रे किया, फिर बाजरा नहीं उगेगा। तो समझे ही नहीं समझ, पहले तो समझ लो, यानी बाजरा बोने के तुरंत बाद आपको एट्राजिन का स्प्रे करना है, 1 पैकेट पर 1.5 बीघे 32 विश्वास 1 एकड़ के लिए। तो देखिए, जो स्प्रे करना है, स्प्रे करने का मैं तरीका बता देता हूं, मैंने खुद ने कर रहा हूं 5-6 साल से। जो स्प्रे की टंकी होती है उस पर आपको ऐसे तिरछा करना है, अगर जहां आपने स्प्रे कर दिया और आपका पैर पड़ गया उस जगह पर आपकी खरपतवार हो गई, यानी कि आपकी जो परत बनेगी उस परत पर आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए।
इसलिए आपको तिरछा करना पड़ेगा, वो आराम से कर सकते हो, मैंने खुद ने किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप कपास में करते हो, आप कपास में सीधा करते हो, बाजरे में आपको तिरछा करना पड़ेगा। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अगर आप नहीं करोगे, आपके गांव में मैं दो किसानों के 3 बीघा बाजरे में मैं खुद स्प्रे करके जाऊंगा, तो आपके दिखा के जाएंगे ना हम। कल को कोई किसान ये नहीं कह सकता कि आपके प्रयोग बेकार, क्योंकि इस प्रयोग को हमने करने के लिए कम से कम 6 करोड़ रुपए खर्च किया था कि हम इस खरपतवार को कैसे नष्ट करें। तो हमारे किसानों को हमने नए नए दवाओं का प्रयोग किया, नए नए ट्रायल लगाए, तो 6 साल में जाके हमारे प्रयोग सफल हुआ। आज हम आप लोगों तक वो चीज पहुंचा रहे, ठीक है जी। दूसरी चीज, जब आप बाजरा लगाओ, बाजरे में आपने अच्छे बीज का चुनाव कर लिया, अच्छे बीज के चुनाव के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप पायनियर का बाजरा लगाना, तो काका ये अच्छे बीज का चुनाव आपको दो तरीका से करना है। ईमानदारी से बता रहा हूं, आज बड़ी पंचायत में कह रहा हूं, मुझे शर्म आती है जब आप बीज खरीदने दुकान पर जाते हो। आपका इसका बड़ौदा दुकान का एक वाक्या है, भटपुरा गांव का एक किसान है जिसने पिछली बार 14 पैकेट बाजरा खरीदा था, एक दुकान है बड़ौदा में, उसका नाम नहीं लूंगा। तो किसान दुकानदार से बोल रहा है मुझे पायनियर का बाजरा दे दे, और दुकानदार उससे बोल रहा है यार मरिंदर तब क्या करोगे यार रोशन, उस फार्मर का नाम हो सकता है और भी कुछ हो, बोल यार रोशन क्या करेगा, बोल मेरे पास एक ऐसा बाजरा आया है जिसकी पैदावार 30 मन प्रति बीघा होगी, फुल गारंटी है भाई। अब ताऊ का चाहिए भाई, गारंटी वाला बाजरा चाहिए। ताऊ में उसका 14 पैकेट बाजरा ले लिया, बाजरा एक ऐसी कंपनी का था जो अपने बाजार में बिकने के लिए पहली बार आया। तो देखिए दुकानदार कितनी बड़ी झूठ बोलता है आपसे, कितनी बड़ी हो सकता है आपको विश्वास, कितना बड़ा दगाबाज है आपके साथ। तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया, उसी दिन मैंने प्रण बना लिया कि मैं बड़ौदा मार्केट में 200 किसानों का सम्मेलन करूंगा जो अगली बार बीज अपना मर्जी से खरीदे। तो देखिए बंधुओं, मेरा आपसे यही निवेदन है, जब भी आप दुकान पे बीज खरीदने जाओ, किसी भी दुकानदार से ये मत कहना सेठ बढ़िया सा बाजरा दे दो, क्योंकि मुझे भी शर्म आती है। क्योंकि काका ये चीज बताइए, खेती कौन कर रहा है? आप 40 साल से 50 साल से आप खेती कर रहे हो, अगर आपको आज ये नहीं पता है सबसे बढ़िया बीज हिंदुस्तान में कौन सा है, तो फिर खेती क्यों कर रहे हैं? और यही कारण है आपकी एवरेज जो पैदावार आ रही है 18 मन 17 मन, यही कारण है कि आपकी ये 4-5 साल से पैदावार यही अटकी हुई है। तो हम आपसे निवेदन यही करने आए थे, अब की बार जो आप बाजरा खरीदने जाओ दुकानदार के नाम से मांगो। दूसरी चीज, यहाँ कितने किसान बंधु बैठे हैं जिन्होंने अब की बार सरसों खरीदी, सरसों का बिल लिया? किसी किसान ने लिया दुकानदार सरसों का बिल? नहीं लिया ना काका जी। तो इसीलिए देखो, आप लोगों को बता रहा हूं आप कितने बड़े नुकसान में जा रहे हो। पायनियर बीज कंपनी ने अब की बार हमारे हर किसान को एक स्कीम दी थी सरसों पर, कि कंपनी ने सोचा हमें किसान 880 रुपए दे रहा है इस पैकेट का, हम किसान को क्या दे रहे हैं? भाई सोचना चाहिए, 880 रुपए बहुत बड़ी बात है एक किलो बीज करे। तो कंपनी ने सोचा अब की बार हम किसानों की सुरक्षा करेंगे। अगर मान के चलो आपने कंपनी से 10 पैकेट पायनियर की सरसों खरीदी और वो 10 पैकेट किसी भी कारण से नहीं उगते हैं, तो कंपनी ने उन किसानों को दोबारा 10 पैकेट खरीद दिया। लेकिन हमारे शर्त ये थी, उसमें कुछ क्राइटेरिया था कि उस किसान को कम से कम 10 पैकेट का बिल होना जरूरी है। दूसरी चीज, और 10 पैकेट के साथ किसी कंपनी का कोई दूसरा पैकेट नहीं होना चाहिए, ये कुछ शर्त थी उसमें। लेकिन किसानों ने क्या, पैकेट तो खरीदे 100-100 पैकेट के, यहाँ किसान बैठे हुए हैं जिन्होंने 100-100 पैकेट खरीदा है, लेकिन हमारे किसान को यही नहीं पता आप 100 पैकेट खरीद रहे हो, 80-90 हजार रुपए दुकानदार को दे रहे हो, तो आपकी सुरक्षा क्या है? सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए पता बताइए मुझे। तो अब की बार आप लोगों के लिए पूर्णतः सुरक्षा मिलेगी। आप जब पायनियर बीज कंपनी का बाजरा लगाओगे, ईमानदारी से बता के जा रहा हूं, खरीदना मत खरीदना। अगर मान के चलो पायनियर बीज कंपनी का एक बाजरा आएगा आपके बीच में 86M94, 86M94 बाजरे को अगर आप लोगों ने खरीदा, सपोर्ट करो, आपका नाम क्या है जी? अगर हरिया जी, मान के चलो आपने एक पैकेट खरीदा, तो खरीदा कंपनी के विश्वास से खरीदा, समझ रहे हो जी, आपने उस बाजरे को बोया और किसी भी प्रकार की दिक्कत आई, आपको कहीं नहीं जाना, ना दुकानदार के पास जाना, ना कंपनी वाले के पास जाना, आप जो पैकेट बाजार से खरीदोगे उस पैकेट पर एक टोल फ्री नंबर आएगा 1800 103 97 99,
घर से मोबाइल सारे किसानों के पास है, टोल फ्री नंबर है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। घर से उस नंबर पे फोन करो, अगर मान लो आपने बाजरा बोया, बोने के बाद 72 घंटे के बाद खेत पे जाना, अगर बाजरा नहीं उगता है तुरंत फोन करिए आप कंपनी को कि साहब मैंने पाइनियर का 86M94 नंबर बाजरा लगाया और वो उगा नहीं है। जो बाजरा उगता है वो 72 घंटे के भीतर उग जाएगा, ठीक है, 72 घंटे के बाद कोई बाजरा नहीं उगेगा हमारा। अगर किसी की गहराई ज्यादा है दाने की तो वो उगेगा, बाकी 72 घंटे में आपका 80% बाजरा उग जाएगा और आपको पता चल जाएगा बाजरा उगा है नहीं उगा। 72 घंटे के बाद आप तुरंत फोन करो अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है। फोन करने के बाद घड़ी लगा लेना, 1236 घंटे में मेरी कंपनी का अधिकारी आपको ढूंढ लेगा। अब देखिए इतनी बेहतर सुविधा अगर कंपनी आपको दे रही है, ये चीज दुकानदार ने बताई कभी आप लोगों को? नहीं बताया। देखिए अगर इतनी बेहतर सुविधा कंपनी आप लोगों को दे रही है तो मैं सोचता हूं आपको इसी कंपनी का बीज लगाने से कोई परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन समस्या कहां थी, हमारे किसान को अच्छा बीज क्यों नहीं मिल पाता? अभी जो हम 86M94 नंबर का बाजरा बेचेंगे उस पर दुकानदार को बहुत कम मार्जिन मिलेगा, समझ रहे हो जी? अब दुकानदार इस बाजरे को तो रखेगा, उसको पता है इसके ग्राहक तो मेरे पास आएंगे, लेकिन दुकानदार इसको बेचना नहीं चाहेगा। वो फिर क्या गमरा करेगा यार, कंपनी वाले तो चूतिया बनाते रहे तो ऐसे पर या नए बाजरे ले जा, मैं तो घेरूंगा बाजार, वो गारंटी लेगा और फिर अपने बाजरे की वो किसानों तक बेचने की कोशिश करेगा। अगर अब की बार मेरे साथ एक किसान था, मोलिया का, मोमवंश परिवार से था, उसका किसान का नाम शायद शमसुद्दीन था। जब 84 नंबर बाजरा चला, मैंने किसान को गारंटी दी थी, उसको 10 रुपये का खाली एग्रीमेंट दिया, कोई बात बस फंस गई हमारी समाज में, पंचायत में, इसी में उस किसान ने कहा अगर आप मुझे लिखित में गारंटी दोगे मैं आपका बाजरा लगाऊंगा। मैं गारंटी कैसी चाहिए भाई, बोला लिखित में दो, मैं चलो पन्ने में लिख देता हूँ, ये कह लिखित में। मैंने कहा लिखित में गारंटी नहीं दूंगा मैं आपको, 10 रुपये का खाली एग्रीमेंट दूंगा, अगर पायनियर की बीज से आपकी पैदावार कम आती है उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी कंपनी की होगी, और 10 रुपये खाली स्टाम्प पेपर की खाली एग्रीमेंट कीमत पड़ेगी, फिर वो समझते हैं क्या होती है, ठीक है। उसकी पैदावार 28 मन प्रति बीघा बाजरे की आई, और दुकानदार लक्ष्मण में लगा था, दुकानदार लक्ष्मण में एक फ्रा में चावला बीज भंडार, उसमें एक थैली धान एक सरकार दे, बोले यार पायनियर पायनियर बन दे या बाजरे और लगा देख लो बहुत बढ़िया बाजरा आ रहा है, बोले चल एक पैकेज इसको भी दे दे। कौन सा नंबर तो वो तो हर पैकेट पाएगा। मेरा आपसे यही निवेदन है, नहीं कहना शुरू हो गया, आप बीच में डिस्टर्ब करोगे हो सकता है मैं कोई अच्छी चीज भूल जाऊं, आपको नहीं बता पाऊं। हाँ अगर आपका कोई भी सवाल कोई भी जवाब है, अगर मुझसे सवाल नहीं देगा मेरा अधिकारी हैदराबाद बैठा है उससे आपकी ऑनलाइन बात करा दूंगा। पर देखो कोशिश करो आप बेहतर तरीका से सुन लो, सुनने के बाद कोई दिक्कत है मुझे बताना, मेरा प्रोग्राम मैं रोक दूंगा, बाकी मैंने सीमित समय के लिए प्रोग्राम रखा है, मुझे पता है आपके पास जो टाइम है बहुत अनमोल है। तो देखिए किसान बंधु मैं बात कर रहा था 86M94 बाजरे की, उसके बारे में आपको बता देता हूँ उसके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो कंपनी गारंटी दे रही है। 86M94 जो बाजरा है 70 से 78 दिन में पकने वाला बाजरा है, ठीक है जी। दूसरी चीज जो 86M94 बाजरा है, एक तो टूट कर नहीं गिरेगा, अभी मैंने देखा कुछ बाजरे ऐसे जो आपके बीच से टूट जाते हैं, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, मजदूर रेट भी ज्यादा लगता है, चारे क्वालिटी भी खराब होती है। तो देखिए जो 86M94 बाजरा है तो टूटेगा नहीं। दूसरा चीज जो इस बाजरे का सिट्टा है, आप 40 साल में सबसे पहले लंबा सिट्टा देखोगे, लंबा सिट्टा तो मैंने आपके पिछली बार गोविंद गर्म देखा था 3.5 फुट का सिट्टा, लेकिन उसमें दाने थे सिर्फ 14, गिनती के 14 दाने थे, तो ऐसा बाजरा लगाओगे? लेकिन जो पायनियर का 86M94 का जो सिट्टा है 1 फुट से ज्यादा की इसकी लंबाई है, और जब हमारा बाजरा आपके गांव में लगेगा आपके पास मेरा नंबर होगा, कंपनी का नंबर होगा, मेरे अधिकारी का नंबर होगा, आप फोन करके बताना अगर कोई भी पहलवान कोई भी किसान उस सिट्टे को अगर 2-3 उंगली से भींच के दिखाएगा, हो सकता है उस किसान के लिए हम 10-20-100 रुपये का कुछ अवार्ड है। 3 उंगली से ऐसे नहीं भींचेगा सिट्टा पायनियर का 86M94। अब आप बताइए जब आप उसको सिट्टा भींच नहीं रहा है तो इसका मतलब उसमें दानों की संख्या ज्यादा है, अगर दाने नहीं होंगे सिट्टा भींचेगा कि नहीं भींचेगा? भींचेगा ना, इसलिए प्रैक्टिकल खुद करके देखना। दूसरी चीज आपके यहाँ 86M94 की बगल में कोई दूसरा बाजरा लगाना जो आपकी मन पसंद हो, दुनिया का नंबर अच्छा बाजरा हो, उसके 5 सिट्टे बढ़िया छांटना खेत से, एक बीघे खेत में से, और पायनियर के 86M94 के भी 5 सिट्टे बढ़िया छांटना, और आपकी बढ़िया की तराजू पे जाके तोलना, आपको जिंदगी में दोबारा अनुभव हो जाएगा, बाजरा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
समझ रहे हो जी, क्योंकि जिसमें ज्यादा वजन होगा उसमें दाने की पैदावार ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो ये प्रैक्टिकल अगली बार कागज करके देख लेना, मेरा आपसे निवेदन है। दूसरी चीज, जब आप 86 और 94 बाजरे का अगली बार अगर आपने मन बना लिया, लेकिन मेरी गारंटी है 20% से ज्यादा किसान को ये बीज बाजार में दुकानदार बेचेगा ही। अब समस्या कहाँ की है, हर किसान को ये बीज कैसे मिले? तो देखिए, आपके पास चारों तरफ एक चक्र भी बना हुआ है, उस चक्र भी को तोड़ने के लिए हमने आज आपको बुलाया है। अब की बार जब आप बाजरे के सीजन में दुकान पर जाओ, तो घर से मन बना के जाना, मुझे 2 पैकेट खरीदना है, 3 पैकेट खरीदना है, सिर्फ 86 और 94 खरीदना है। दुकानदार के पास आपको और कंपनी वाले लोग मिलेंगे, वो लोग लालच देंगे, अरे तब मरंदे पाइनियर वाइनियर तो आपको ज्यादा पानी चाहिए, गिर जाएगा टूट जाएगा, तो ज्यादा बताएगा। दूसरा, आपको दुकानदार बहकाएगा, बोले ऐसा कर पाइनियर ले जा रहा हूँ 3 पैकेट तो ऐसे कर 1 पैकेट मेरे कहने से भी ले जा। यही उसका टारगेट होता है काका दुकानदार का, हमारा 1 पैकेट दुकानदार हमारे कहने से खरीदे। और मेरा आपसे निवेदन है, जिस दिन आपने दुकानदार के कहने से बाजरा खरीदना बंद कर दिया, कोई सा भी दुनिया का बाजरा लगा लेना, 1 क्विंटल पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ेगी आपकी। दूसरी चीज, अगर आपकी बार आपने 86 और 94 खरीदा बाजरा, तो मेरा सारे किसान बंधुओं से निवेदन है, कोई भी बिगर बिल के मत खरीदना। जिस किसान के पास बिल नहीं होगा, उस किसान की कंपनी कोई मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा आपके परिवार में, आपके समाज में अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है, कोर्ट में कोई केस जाता है, गवाह की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है ना, सारे लोगों को पता होगा। नहीं लड़े तो लड़ना भी मत, कहीं लड़ने लग जाए भाई कंपनी वालों के, वो लड़ाई कर दो। क्या होगा अगर कोई कोर्ट में मुकदमा जाता है, केस जाता है, उसके लिए गवाह की जरूरत पड़ती है, 1-2 की। अगर मान लो आपकी 94 बाजरा लगाने के बाद आपको नुकसान हो गया, पैदावार कम आ गई, आप क्या करोगे? तो आपको एक गवाह के रूप में कंपनी को एक कागज देना होगा, मैंने पाइनियर का 94 लगाया, ये मेरा गवाह है। गवाह कौन देगा आपकी? वो बिल देगा जो आप दुकानदार से लो। अगर आपके पास बिल नहीं है, तो मैं भी ये साबित कर दूंगा कि आपने 94 लगाया नहीं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो जी? तो मेरा आपकी बार आपसे निवेदन है, जब बाजरा खरीदने जाओ, हर चीज का बिल लेना शुरू कर दो। अगर दुकानदार बिल नहीं देता है, आप मुझे फोन करके बताइए, फलाना दुकानदार इस पाइनियर के बाजरे का बिल नहीं दे रहा। चाहे आप बड़ौदा से बीज खरीदो, चाहे गोविंदगढ़ से खरीदो, चाहे जालुकी से खरीदो, आपके सामने 10-20 किसान 10 मिनट तक खड़े रहना, आपके सामने हम उस दुकानदार से व्यापार बंद कर देंगे। अगर जो किसान हमारे किसान जो दुकानदार हमारे किसान की मदद नहीं करेगा, उससे हमें व्यापार करवाना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि जो पायनियर कंपनी है, ये किसानों का संगठन है। अगर आपकी कोई मदद नहीं करेगा, उस दुकानदार से हमें क्या मतलब? दूसरा दुकानदार बेच देगा हमारा मटेरियल, नहीं तो किसानों को डायरेक्ट मिल जाएगा, किसानों में से किसी को दुकानदार बना देंगे हम। तो देखिए, आपको जागरूक होगा, मेरा कहने का मतलब है कि आप खुद जागरूक होइए, दुकानदार के भरोसे मत रहिए। लेकिन अब की बार मैंने एक समस्या देखी, आप क्या है, व्यापारी है बहुत बड़ा, हो सकता है उसने पता है मेरे से एक ऐसा शब्द बोला, आज ही मेरे जेब में चुभ रहा 2 साल बाद। मैंने उससे कहा कि यार आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अरे किसान को कम से कम ऐसा बीज तो बेचो जो उससे उसकी पैदावार बढ़े और आपका पैसा टाइम से आ जाए। उसने कहा कि मैं 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद किसानों को मूर्ख बनाता हूँ। मैंने साहब कैसे बनाते हो? बोल मेरे 2 करोड़ की उधारी है गाँव में, और 2 करोड़ की उधारी के बाद किसान मेरा हुक्म मानेगा। मैंने सोची यार पैसा उधार है तो इसका मतलब देगा थोड़ी नहीं किसान, देगा कि नहीं देगा? बोल साहब पैसा देगा, लेकिन किसान को कम मेरा चलेगा, क्योंकि मैं उसको उधार भी देता हूँ। तो देखिए, मेरा आपसे निवेदन है, उसको आप पैसा दे रहे हो, उसको ये तो समझा दो भाई इतनी बड़ी गद्दारी हमारे साथ क्यों कर रहा है, अरे 2 दिन बाद दे रहे हैं, वो ब्याज रुपये ले रहा होगा आपसे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? या फिर आपको 5 रुपये महंगा दे रहा होगा, पैसा दे रहे हो आप लोग, तो उसको समझाइए, तू अगर पैसे वाला है तो हमारे पैसे से, समझ रहे हो? अगर उसके पास आप बीज खरीदने नहीं जाओगे, उसकी हालत क्या होगी पता है आप लोगों को? पता है जी आपको क्या होगी उसकी हालत? तो उसकी जो बच्चों को रोटी मिलती है, आपसे जो पैसा जाता है उसकी पैसे से उसको रोटी मिलती है। आप जब उसका बीज ही नहीं खरीदोगे, तो आपके पास वो हो सकता है बीज मांगने के लिए आ जाए 2-3 साल में। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको जागरूक होइए, जागरूक मत होइए, इतने मजबूत हो जाइए मेरे जैसा कोई कंपनी का आदमी आपकी जेब नहीं काटे। अभी आप लोगों के देखिएगा भाई, बहुत शर्म की बात है, आपके बीच में पाइनियर का 880 रुपये में सरसों का नकली पैकेट बिका है, बताओ दिक्कत है कि नहीं?
आप लोगों ने उसको खरीदा है। ये क्यों खरीदा है? क्योंकि देखो चोरी करने वाला तो पहले हमारे बाप दादाओं के टाइम में चोरी होती थी जब भी चोर थे, और आज ही वही वक्त आज भी चोर है। चोरी करने वाला चोरी करेगा। चोरी करने के लिए पुलिस प्रशासन भारत सरकार ने बहुत दुनिया भर के लगा रखी है, अगर उन पर ही नहीं रुक रही तो हम पे थोड़ी रुकेगी, हम कितने आदमी कंपनी है। इसलिए आपको खुद को जागरूक होना होगा, खुद को मजबूत होना होगा, खुद को सिपाही बनना पड़ेगा। अगर आप सिपाही नहीं बन सकते, आप अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकते, अच्छा बीज नहीं लगा सकते, अच्छी पैदावार नहीं ले सकते, तो अब की बार जब बाजार में जाओगे इन चीजों का प्रयोग करोगे नहीं करोगे? आप करोगे ना? देखिए मैं आपकी हर संभव कंपनी आपके लिए मदद करेगी। अगर आपने बाजरा लगाया और आपने कंपनी को नहीं बताया तो मुझे कोई सोन थोड़ी आता है भाई, किसको नुकसान हुआ? तो देखिए मैं बड़ी पंचायत में आप लोगों से कंपनी की तरफ से वादा करके जा रहा हूं, अगर किसी किसान ने पायनियर का 86 M16 बाजरा लगाया और उस बाजरे में बोने से लेके कटाई तक किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ, उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी कंपनी की होगी। समझ लो आप, मैं आप लोगों के ज्यादा दूर से नहीं हूं। आप ये मत समझना यार कंपनी वाला चूतिया बना के भाग जाएगा, मैं आपके परिवार से ही हूं। अगर आप मुझे नहीं बुलाओगे मैं आपको कैसे मदद दूंगा? कोई भी समस्या हो कभी फोन करके देखो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, अगर आपके पास कंपनी का एम्प्लॉय नहीं पहुंचे जिंदगी में कोई कीमत लगा। अगर आप कंपनी से कोई सुविधा नहीं लोगे तो हमें किसी प्रकार की कोई सोन तो नहीं साहब, फलाने किसान को नुकसान हो रहा है। अभी एक गांव पड़ता है बथुआ का नंगरा का ठुमर देखा होगा अपना मोमडन खास से, छोटा ही नंगरा देखा किसी लोग, आपकी रिश्तेदारी होगी। वहां पे एक किसान ने फोन किया, अभी कंपनी 10-12 दिन पहली बात सुना रहा हूं कि बुल साहब मुझे मेरी सरसों में पायनियर की 46 में कोई दिक्कत नजर आ रही है। तो मैं गया, मेरा जो ऑल ओवर से अपने सुपरवाइजर हो सकता है अभी शायद आपके बीच में आ जाए, नहीं तो उनकी क्या कोई ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, आपके रोड पे खड़े हैं बड़ौदा के आसपास। तो मैं हम दोनों गाड़ी से वहां गए, हमने सरसों को देखा, सरसों में छोटे बड़े पेड़ दूर से दिखाई दे रहे। तो साहब ने किया रसो की तो पायनियर का बीज ही नहीं अपना, ये तो ऐसा है किसी किसान घर वाली सरसों नहीं लगाते आप, उसमें कोई पेड़ छोटा कोई बड़ा नजर आता है। तो हमने किसान से बात की, मैं आपका पैकेट लगा, किसान इतना होशियार था उसके पास 3200 पैकेट खाली रखे हुए थे, हमने 3200 पैकेट हमारी मशीन से चेक किए तो उसमें 2 पैकेट नकली निकले, 30 ओरिजिनल थे, 2 पैकेट जो नकली निकले। हमने बोया था उसमें कितना पैकेट, 3 बीघे खेत था वो, गुलसाब डाले तो 2 पैकेट पर इनमें तो ये पता नहीं कौन सा पैकेट डाले, तो पकड़ में आए नहीं आए 2 पैकेट। मैंने कहा था यहाँ पे 2 पैकेट ये नकली सरसों है, आपको ये पैदावार नहीं देगी, जितनी घर वाली देती उतनी देगी। तो बोल साहब क्या करो, तो फिर बथुआ के नंगरा की एक दुकान है कटुमर मेवा खाद बीज भंडार, तो उस पर हमने सोचा अगर आपके पास बिल है तो किसान तो एक्टिव था, उसके पास बिल भी था। मैंने कि इसमें कागज 100 रुपये लगेंगे, 100 रुपये की फीस मैं भर दूंगा, आपको अलवर चलना होगा। कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर किया, अब दुकानदार को जो सब खबर लगी उसके पास नोटिस आया तो उसकी हवा निकल गई। फिर उसने कागज आया बोल 10-20-50 हज़ार रुपये ले रहे, ज्यादा भाग दौड़ मत करे। तो 10-20 आदमियों ने समझाया तो उसको 5 लाख रुपये दुकानदार दिए। अब किसान सोचता है तो फुकट मिल रहे, उसने राजीनामा कर लिया। राजीनामा करने से मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन जो 5 लाख उसने किसान को दिया वो फिर कहां से कमाएगा? फिर नकली बेचेगा, बेचेगा नहीं बेचेगा? तो मुझे ये दुख नहीं है कि आप ये कर रहे हो, मुझे दुख है कि दुकानदार का ऐसा इलाज करो कहानी वाले आपकी पीढ़ी के लिए बंदा व्यापार नहीं करे। अगर वो केस दायर हो जाता है उसकी तारीख लग जाती, दुकानदार पे इतना 2 पैकेट का कम से कम 2 करोड़ रुपए का क्लेम होता, क्योंकि जो इसका क्लेम होता है मैं बताता हूँ ये अमेरिका से होता है डॉलर में, और जो इसका कॉपीराइट एक्ट का मामला है इसमें कभी कोई जमानत नहीं मिलती। 2 करोड़ रुपया उसको कहां से देता हूँ, उसका सारा जमीन जमीन बिक जाती, तो कभी धंधा ही नहीं करता उसका। तो देखिए अगर कार्रवाई करते हो तो ऐसी करना, नहीं तो देखो क्या मतलब, उसमें आपकी बीज जीती है मुझे बीज जीती है, तो ज्यादा बेचेगा नकली। तो इन चीजों को जागरूक होने के लिए मैंने आपको बुलाया, 86 M94 बाजरे के बारे में आप लोगों को बताया। अब बात आती है सरसों की, तो देखिए 86 M94 बाजरा है, अगर आप मान लो आप लोगों ने उसको नहीं खरीदा तो देखो बेटा, देखने के लिए चाहिए जुगाड़ चाहिए ना, तो हमने आप लोगों की व्यवस्था की है कि आप लोगों के लिए हम 86 M94 बाजरा आपको यहाँ पैकेट फ्री लगवाए, भाई जब ही तो देख पाओगे आप, कहाँ जाओगे नहीं देखने। तो आप लोग टेंशन मत करो, अगर नहीं खरीदना चाहो मत खरीदना, लेकिन देख तो मैं एक बार लगा के, भाई फ्री में नहीं देख सकते क्या? दूसरी चीज, अगर मान लो मैंने आपको बाजरा फ्री दिया एक पैकेट, सपोर्ट करूं जैसे हमने रामलाल जी को फ्री दिया,
और उस बाजरे में पैदावार कम आ जाती है, फिर क्या करोगे आप? क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी सरसों के पैकेट फ्री बांटती है, उसको किसान लगाता ही नहीं है। तो अभी अगर मान लो मैंने आपको बाजरा का पैकेट फ्री दिया और उसकी पैदावार कम आ गई, आप क्या करोगे? आगे सर कहूंगी तो देखिए, उसके लिए समाधान है, अगर पायनियर का कोई भी सैंपल आप लगाते हो, आपको कोई भी सैंपल अगर मिलता है, उसकी पैदावार अगर कम आती है, आपका वो जिस खेत में सैंपल लगेगा उसकी विजिट हर 25 दिन में आपके खेत पर अधिकारियों द्वारा होगी। अगर आपको लगता है कि इस बाजरे में बोने से पैदावार कम आ रही है, क्योंकि जब फसल लगाते हो तो पूत के पाम पालने में दी जाते हैं, जब हमारी फसल आपके खेत में पड़ी रहेगी, बाजरा 7-5 दिन का होगा, तो आपको पता चल जाएगा ये बाजरा पैदावार कम देने वाला है ज्यादा। अगर कम देने वाला है, आप अधिकारी से बात करो, आपका नोटिस करवाइए कि मुझे पैदावार कम आने वाली है, तो 5 किसान उस खेत को देखेंगे, गवाह देंगे कि एक्चुअल में पैदावार कम आ रही है। कोई टेंशन मत करना, आपको नगद पैसा के लिए मिलेगा अगर फ्री के सैंपल से पैदावार कम आती है तो। कोई दिक्कत किसी किसान को? अभी ये बात चल रही थी, ये मैटर क्यों बताया, अभी किसान बोल रहा था यार फ्री की तो गवर्नमेंट सरसों भी दे रही है, कोई लगाता ही नहीं है। अरे गवर्नमेंट के स्पेसी गवर्नमेंट क्या दे रही, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, कोर्ट टाइम एग्री साइंस पायनियर कंपनी की बात कर रहा हूँ। इसका कोई भी प्रोडक्ट बाजार में ऐसा नहीं आता जो किसान गा लेते, तो आपको लेकिन शर्त ये वो बीज उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। बाकी दुनिया में देखिए किसान बंधु सारे काम संभव है। जब भारत सरकार ने 2000 का नोट जब भारत में पहली बार चला, तो मैंने चलता हुआ मेरी जिंदगी में देखा है, मैं 500 के तो नहीं देखूँ कब से चल रहे, लेकिन 2000 का नोट जब चला था, इसके 14 दिन बाद मेरे पास खुद के पास 2000 का नोट नकली आ गया। कहाँ से? ATM से। आप ताजिब करो, जब 2000 का नोट नकली ATM में घुस सकता है, आपको पायनियर का बीज नकली आपके घर तक नहीं पहुंच सकता? नहीं पहुंच सकता क्या? तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जागरूक हो जाओगे, आपको बीज क्वालिटी का मिलेगा, आपकी पैदावार बढ़ाने से कोई नहीं रोकेगा। तीसरी चीज, अभी हम बात करते हैं कि इस बीज को जब खरीदने जाओ, दो चीजों का ध्यान रख लेना। आपको इस बाजरे से मिलते जुलते नंबर बाजार में मिलेंगे, समझ रहे हो जी? आज मैं ये जो मीटिंग यहां पे कर रहा हूं, मेरी मीटिंग बड़ौदा में दुकानदार बैठे बैठे देख रहे हैं, टेंशन मतलब ये मीटिंग मेरी बड़ौदा में दुकानदारों के पास चल रही है, उनको पता है पायनियर बीज कंपनी किसानों को क्या बता रही है, वो अपने दिमाग में बैठा के फिर अपने उसी हिसाब से व्यापार करते हैं। अगर आप 94 नंबर बाजरा आपके खरीदने जाओगे, तो उससे मिलता नंबर एक और मिलेगा, हो सकता है वो 30-94 मिले, समझ रहे हो आप? 30-94 मिले, 20-94 मिले, ऐसा कुछ नंबर मिलेंगे तो आपको कंफ्यूज करेगा दुकानदार, तो आपको उसका नाम रख लेना 86-94 पायनियर का। और उस पायनियर को तो आप जानते ही हो, उसकी थैली को भी जानते हो। दूसरी चीज, अभी हम बात बाजरे की हमने आप लोगों को बताई, तो अभी ऐसे कितने किसान है जो 86-94 बाजरा पैसों से खरीद के लगा हुए सारे? अभी भूल जाओगे काका जी, आप बहुत दिन है अभी भूल जाओगे। तो अभी हमने क्या है, आपको जो हमारे पास 200 किसान आए हैं, इसकी जो रेट आएगी, रेट वो जो हमारे यहाँ 200 किसान बैठे हैं, हर किसान के मोबाइल में इसका 20 दिन पहले रेट आ जाएगा, समझ रहे हो जी? आपके मोबाइल में जो रेट आएगी वही रेट आपको दुकान पर मिलेगी, उससे ज्यादा किसी दुकानदार को नहीं देना। अगर कोई दुकानदार आपके मोबाइल की रेट से ज्यादा लेता है, तो आप कंपनी को फोन करो, मुझे फोन करो, किसान लग रहा है आपकी सैमली का ही बच्चा है, जानते हो साहब बहुत सारा सैमली का ही लग रहा है, अगर आप फोन करोगे ना कंपनी को, तो आपको तो इतना बेहतर सुविधा मिलेगी, हम 10 मिनट में सुविधा देंगे आपको, क्योंकि आपका जो कंपनी का एम्प्लॉय लग रहा है, प्रतिनिधि लग रहा है, आपके यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है सैमली, तो आपको तो रात में भी सुविधा देगा, दिन में भी देगा, तो आपको तो किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बीज खरीदने जाओ, दो चीज याद रख लेना, पायनियर के पैकेट को चेक कर लेना और उस पैकेट का दुकानदार से बिल ले लेना। बाकी कोई दिक्कत आती है आप मुझे फोन लगाओ, मैं आपके बीच में आऊंगा, कंपनी को फोन लगाओ, अधिकारी आपके बीच में आएगा, ठीक है जी? सरसों की बात आती है, हम सरसों में क्या करेंगे, हमारा एक नया हाइब्रिड आ रहा है, तो देखिए हम हर किसान को तो पैकेट फ्री नहीं दे सकते, क्योंकि तो बहुत महंगा बीज है। तो जैसे आपके यहाँ 2-3 गांवों से जो किसान आए हैं, हमारे पास आपका डाटा सुरक्षित है, क्योंकि हमने आपसे नाम, पिताजी का नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर लिया नहीं लिया? आपको अगर नहीं पता है तो मैंने आपको एक नामांतरण कार्ड दिया था, क्यों दिया था पता है? मुझे आपका 200 किसानों का डाटा चाहिए, क्योंकि मैं 200 किसानों से ऑनलाइन हर 10 दिन में बात करूंगा, घर से, हो सकता है आपके गाँव में बीच में नहीं आऊ,
तो मेरे पास एक ऐसी सुविधा आएगी कि 1000 किसानों से मैं डायरेक्ट मेरे मोबाइल से बात कर सकता हूँ। तो मैं प्रति हर 10 दिन में आपसे बात करूंगा, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी उसके लिए चाहे हम लाखों रुपए खर्च करें आपके लिए करेंगे। पैसा मेरा नहीं है, कंपनी का नहीं है, आप लोगों का है। और आप लोगों की सुरक्षा के लिए आपको पता है पायलियर कितने रुपए खर्च कर सकती है, पता है आप लोगों को? पायलियर का जो सरसों का ओरिजिनल पैकेट आता है उसकी खाली पैकेट की कीमत 250 रुपए होती है, समझ रहे हो? ये पैसा हम क्यों खर्च कर रहे हैं? हमारे किसान तक ओरिजिनल बीज पहुंचे। अभी एक आपको यहाँ पे एक मशीन मिलेगी, 3D कार्ड मिलेगा पैकेट को चेक करने का, उससे आप बाजरे का सरसों का पैकेट चेक करके खरीदिए आराम से, कोई चेक करने का दुकानदार पैसा नहीं लेता है। समस्या ये वो 3D कार्ड मशीन हम हर किसान को अवेलेबल नहीं करा सकते। अगर हर किसान को 3D कार्ड बांटेंगे ना, तो ये पैकेट आपका जो बाजरे का 1000 रुपये क्रॉस कर जाएगा। भाई खर्चा किस पर बढ़ेगा? किसान पे बढ़ेगा। तो हम क्या है, 5-5 के ग्रुप में ये चीज देंगे, यानी 5 किसानों का एक ग्रुप बनेगा, उसमें एक किसान को मिलेगा, कोई दिक्कत किसी किसान को? देखिए जो मशीन है कोई काम की नहीं है आप लोगों के लिए, सिर्फ पैकेट को चेक करके बताइए, समझ रहे हो जी? तो ऐसा मतलब ना फलाने को मिल गई मुझे नहीं मिली, वो आपकी प्रॉपर्टी है, उसको संभाल के रखना, उसको फोल्ड मत करना। अगर ऐसे फोल्ड कर दोगे टूट जाएगी, बाकी उसको पानी में पटको, धूप में पटको, कोई खराब नहीं होगी, हजारों साल तक खराब नहीं होगी जब तक पायनियर का पैकेट आएगा। दूसरी चीज, पायनियर पे का जो पैकेट आता है उस पर हमारे 4 बॉडीगार्ड है, जैसे तुम्हें अभी नेता देखोगे ना उसके साथ एक गनमैन चलता है, चलता है नहीं चलता है? जो अगर ML MP कोई आएगा तो ये गनमैन उसके साथ आता है। क्यों आता है? उसकी सुरक्षा करने के लिए। ऐसी हमारा जो पैकेट है पायनियर का, उस पर 3 बॉडीगार्ड है, वो जो बॉडीगार्ड बैठा है हमारी पैकेट को सुरक्षा के लिए। तो उस पैकेट के बारे में आप ही हमारे जितेंद्र जी हैं जो किसानवास से आए हुए हैं वो बताएंगे। उससे पहले मैं सरसों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जो 46 नंबर सरसों है वो दुनिया की बेहतरीन सरसों है और वो हाइब्रिड सरसों है। अगर कोई भी किसान इसको दोबारा बीज का प्रयोग कर रहा है तो मेरा उससे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको दोबारा न बोलो, ठीक है जी? नहीं, अगर कोई बोता है कोई फोर्स नहीं है, पर इस हाइब्रिड के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि हर किसान बाजरा का पैकेट हर साल खरीदता है, कोई किसान घर का बाजरा बोता है? क्यों नहीं बोता? क्योंकि हाइब्रिड बीज होता है, उसको अगर दोबारा बोओगे आपकी पैदावार कम आएगी। ऐसी सरसों हाइब्रिड है, इसको दोबारा बोओगे पैदावार तो देगी, लेकिन ये मैं लिख के दे रहा हूँ 1 क्विंटल 1 BGM कम से कम देगी, कम देगी। चलो आप तो रहने 46 नंबर सरसों है, इसमें भी कुछ किसानों ने शिकायत करी कि साहब हम 46 लगा रहे हैं, फिर भी हमारी लैब कम आ रही है, तेल की मात्रा कम आ रही है। टेंशन मत करो, अब की बार जब आप 46 नंबर सरसों लगाओ तो उस सरसों में 3 किलो प्रति बीघा वेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करिए, आपकी लैब 42 से कम किसी किसान की नहीं आएगी, समझ रहे हो जी? तो देखिए जो बेंटोनाइट सल्फर आती है उसको उस क्वालिटी की बाजार से खरीदना है, बेंटोनाइट के नाम से आती है बाजार। अगर आपने सल्फर खरीदने गए, हो सकता है दुकानदार ने आपको माटी बेचना शुरू कर दिया, तो उसको धंधे से मतलब है। तो अगर कोई भी किसान सल्फर का प्रयोग करता है तो बेंटोनाइट के नाम से आती है, बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करना। कहीं ये मत करना साहब ये तो 20 रुपये का पैकेट दे रहा, मैं सस्ती वाली डाल दी। जो वेंटोनाइट सल्फर आती है 350 रुपये के लगभग 5 किलो का पैकेट आता है। दूसरी चीज, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी चीज, अगर किसी किसान के सल्फर से अगर तनाम से आपकी तेल की मात्रा बढ़ रही है तो सल्फर देना चाहिए कि नहीं चाहिए? बाकी सल्फर हम नहीं बेचते, दूसरी कंपनियां बेचती है, तो उससे क्या फायदा हो रहा है? अगर आप 325 रुपये खर्च कर रहे हो तो आपको 2500 रुपये का फायदा होगा, क्योंकि 2500 रुपये का तेल ज्यादा मिलेगा आपको। तो ऐसी कोई बैंक है जो 350 रुपये खर्च करे हमें 2500 रुपये 125 दिन में दे? दूसरी चीज, जो आप 46 नंबर सरसों लगा रहे हो उसको क्या है, हमारा किसान 5-10 दिन लेट काट रहा है, तो किसान कह रहे साहब आपकी सरसों जड़ती ज्यादा है काटने के टाइम। तो देखिए 125 दिन का हाइब्रिड है, तो मेरा आपसे निवेदन है जब हमारी सरसों 125 दिन की हो जाए तो आप 125 दिन बाद खेत में जाना, उसके चारों कोनों पर से 10-10 फली लेना, फलियों को चीर के देखना, अगर 10 फलियों का रंग लाल पड़ गया है दानों का, सरसों को काट ले चाहे सरसों का रंग हरा है, आपकी पैदावार पे 1% भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
लेकिन हमारा किसान क्या पुरानी पद्धति से अभी खेती कर रहा है, वो सूखने का इंतजार करता है सरसों का, भाई पीली पड़ेगी सूखेगी जब काटूंगा। तो देखिए सरसों में जो फुटाव होती है इतनी ज्यादा है, सरसों में सरसों की जो शाखा फंसी रहती है उसको सूखने में जब आप खींचते हो ना तो फली तो खुलेगी सर, समझ रहे हो जी। तो ये कोई बीज का फर्क नहीं है, थोड़ा आप क्या लेट काट रहे हो, तो कोशिश करो सरसों को सही टाइम से काटो। दूसरा चीज, अगर कोई किसान कोई भी दुकानदार अभी आपके बाजार में एक सरसों बेच रहा है, दुकानदार उस सरसों का नाम नहीं लूंगा लेकिन आप लोगों ने सरसों लगाई है, वो सरसों के बारे में जानकारी देता हूँ, वो सरसों के अंदर जो पैकेट के अंदर सरसों है आप लोगों की पाइनियर बोई हुआ सरसों है, आप लोगों से मंडी से वो बढ़िया खरीद रहा है, अलवर में जो बंद के नीचे जो मूरी निकल रही है वहां पे उसका ग्रेडिंग प्लांट लग रहा है, अगर किसी को देखना हो तो वहां पे चले जाना, तो वहां पे वो सरसों की ग्रेडिंग कर रहा है उस क्वालिटी से, उस पैकेट में टेरा के नाम से भर के बेच के आपको बाजार में बेच रहा है। तो हो सकता है आप लोगों ने सरसों आपके बाजार से खरीदी है, जब भाई टेरा ही खरीदनी है तो आपके घर में सरसों आते उसी को बोल दो, उससे बेहतर पैदावार तो दीदी को 750 रुपए किलो बेच रहा है और आपकी सरसों को 100 रुपए किलो खरीद रहा है। तो देखिए ये बढ़ियों का व्यापार है, दुकानदारों का व्यापार है, आप नहीं समझ सकते, मैं नहीं समझ सकता, लेकिन जो चीज मैंने देखी है प्रैक्टिकली वो आप लोगों को मैंने बताई है। तो ऐसा मत करिए, पैसे को सही जगह को उपयोग करिए, ठीक है जी। किसी प्रकार की अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुई हो, किसी प्रकार की मैंने कोई गलत चीज बताई हो, उसके लिए आप लोगों को 10 मिनट का टाइम है। पायनियर का अगर आप लोगों ने बीज लगाया और आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, आज आप बड़ी पंचायत में बता सकते हो। अगर आप किसी किसान ने बीज लगाया, अगर मान के चलो उस किसी ने सरसों लगाई, आप में किसी ऐसे भी किसान है जिन्होंने 46 नंबर सरसों बोई है और उसकी पैदावार 5 मन प्रति बीघा आ भी रही है, लेकिन कम से कम काका जी इतना तो कर देते, हमें बता तो देते, चाहे आपने बीज असली लगाया चाहे नकली लगाया, लेकिन एक बार हमें सूचना देते कि हमने 880 रुपये दिया है। अरे हमारी सर्विस तो लेते एक बार, अगली बार ध्यान रखना। आपकी अगर इसी प्रकार से किसी की पैदावार कमाती है, कंपनी ने आपके लिए सुविधा दी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टोल फ्री नंबर है 1800-103-97-99 और ये हर पैकेट पे आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, जो पैकेट आप बाजार से खरीदोगे पायनियर का उसका हर पैकेट में मिलेगा। दूसरी चीज, अभी एक दिक्कत हो रहा है, आपके दिमागों में सिर्फ पायनियर का नाम बसा है, हाईब्रिड का नाम नहीं है। आपके सीजन में बाजरे आपके पायनियर के 6 प्रकार के बाजार में मिलेगा, एक 90 दिन का बाजरा मिलेगा पायनियर का, उसकी कोई गारंटी नहीं है, जो आप लगाते आ रहे हो लगा के देख चुके हो तो उसकी गारंटी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्दियों को 90 दिन में पैदावार देगा। एक बाजरा ऐसा मिलेगा जो बहुत ही कम दिन में पकेगा, लेकिन उसकी पैदावार कोई गारंटी नहीं है कि 20 मन देगा नहीं देगा, क्योंकि वो आपने लगा के देख चुके हैं। सिर्फ कंपनी 86M94 गारंटी ले रही है, क्योंकि ये नया हाईब्रिड है बाजार, और नए हाईब्रिड को किसानों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा रुपए की जरूरत होगी, क्योंकि जब हर किसान इसको नहीं देखेगा इसको कौन खरीदेगा। आज सरसों को 4600 क्यों खरीद रहे हो आप, क्योंकि इससे पैदावार मिल रही है। ऐसी 94 को आप विश्वास जब होगा जब आप एक बार लगा के देख लो, ठीक है जी। तो देखिए हमारी जानकारी दी थी जनरल जी का, एक बार पैकेट की जानकारी बता दो, जो ओरिजिनल पैकेट आता है पायनियर का, उस ओरिजिनल पैकेट की वैसी क्या पहचान करोगे। अब मान लो बहुत से बड़े बूढ़े ऐसे हैं, उनको जो हम टेक्निकल चीज बता रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे, लेकिन अभी काका जी एक मुझे किसान मिला था 12 भड़कोल में, एक चौमू गांव पड़ता है उसमें, वो क्या नाम पंजाबियों में से है वो। तो मैंने कहा कि आप पायनियर की पैकेट की कैसे पहचान करोगे, बोल भाई साहब मेरे को हाथ में पैकेट दे दे मैं अपने आप बता दूंगा ओरिजिनल डुप्लीकेट। तो उस टाइम हमारे ओरिजिनल तो मौजूद था, अब डुप्लीकेट खा रहे हैं हम तो, पर मैंने देखो दुकानदार फोन किया, मैंने कहा कोई खाली भरा पैकेट है डुप्लीकेट तेरे पास, बोले यार एक किसान का वापिस आया तो पड़ा है।